अरे वाह माँ, कमाल की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? बादाम वाला हलवा बना रहे हैं। वाह क्या बात है, बादाम का हलवा? वैसे किस खुशी में बन रहा है ये हलवा? खैर जो भी हो, बहुत सही बन रहा है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली है। चलिए पहले चखूं तो सही। आए, आए, तुम कहाँ चखोगे? जिसके लाने हमने बनाया पहले वो चखेगा। किसके लिए बनाया माँ? उर्मी बहू के लाने, उसे बादाम वाला हलवा बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया शशि, एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है तुम्हारा दिमाग। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो यहीं टिके रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए, हमसे कहीं जाने वाने की बात मत कीजिए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं अच्छे से मिलजुल के रहेंगे। आखिर जी हमारा परिवार है जेठ जी, पूरे परिवार को जोड़ के रखेंगे हम। हाँ, प्यार मोहब्बत से है। शौर्य, शौर्य बेटा, गर्मा गर्म है। हाँ? शौर्य चाबी दीजिए जल्दी। शौर्य, उर्मी बहू एकदम सही समय पे आई हो। शौर्य को छोड़ो, तुम यहाँ बैठो। बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ मैं जी? बैठो तो सही। हाँ, हमने खास तुम्हारे लाने हलवा बनाया है, बादाम वाला। तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो खाओ। माँ जी हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लाने, खाओ चलो। दादी पहले मैं खाऊंगा, मुझे दो। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा है, तुम खाओ, तुम्हें हम दूसरा देंगे। जा जा, ये बहू के लाने हैं, पहले बहू को खाने दो, खाओ। भाभी खा लीजिए जल्दी, ताकि हम सबको भी चखने के लिए मिल जाए। माँ का कहना है कि जब तक आप नहीं खाएंगी हमें से किसी को नहीं मिलेगा। हाय ऐसा देख कर रही हो, तुम्हारे लाने हमने हलवा बनाया तो पहले तुम्हें ही तो खिलाएंगे हैं। चलो खा, और तुम खड़ी खाओ, जाओ शौर्य को दो निकाल के, और बाकी सबको भी बहुत जल्दी दो। खाओ ना, लाओ माँ हम खिलाते अपने हाथ से। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। हमें पता था, बड़े शौक से बनाया हमने तुम्हारे लाने। लो बहुत गलत किया उन लोगों ने। शादी को ना हम नहीं मानने वाले, झूठ पे रिश्तों की नींव नहीं सजानी है हमें। जे का कह रहे हो गौरव, शादी का रिश्ता इतना कमजोर ना हो वे। ठीक कह रहे भैया, अभी तो सिर्फ यही बात पता चली है, पता नहीं और क्या क्या छुपाया होगा उन लोगों ने हमसे। हम अभी फोन करके आशा की माँ से बात करते, ऐसा काहे किया हमारे साथ, हम जरा पूछे तो। झूठ बोलकर रिश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? रहने तो ना माँ, इससे क्या फायदा होने वाला है? नहीं नहीं बात करना जरूरी है, और कभी ना कभी बात तो करनी है ना बेटा, हम अभी बात करते हैं। रहने तो बहू का फायदा, अब कौन सा बहू से नौकरी करानी है? दादी बात जॉब या कुछ करवाने की नहीं है, पर इसका ये भी तो मतलब नहीं ना कि किसी भी अनपढ़ गवार के पल्ले बांध दिया जाए हमारे गौरव भैया को। अम्मा सीधी सी बात ये है कि बहुत बड़ा धोखा किया उन लोगों ने हमारे साथ, छल कपट से हुई है शादी। कोई छल कोई कपट और कोई धोखा नहीं किए हम। आप लोग इतना बड़ा इल्जाम ना लगाइए हम पे, हम कछु नहीं छिपाए आप लोगों से। पहले दिन ही हम सब कुछ बता दिए थे और बात साफ हो गई थी। एक मिनट एक मिनट, कहाँ साफ साफ बता दिया था आपने हमको बहन जी? हाँ आपने कब बताया हमसे कि आपकी लड़की अनपढ़ है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप जे ही कह रही हैं कि आपने कछु छुपाया नहीं हमसे। हाँ नहीं छिपाया, तभी तो ये कह रहे हैं हम। अम्मा जी आप ही बताइए कि आपको पहले दिन से ही पता था ना कि हमारी बेटी अनपढ़ है? हम आपको पहले ही कहते, हमारी बेटी में पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोनो कमी नहीं है।
दादी आप अम्मा इतनी बड़ी बात छुपाई आपने। जिस इच्छा नाम की चीज से ना हम तो पहले ही डरे हुए थे कि हमारे मोड़ी को ये घर में कोई अपनाएगा भी कि नहीं, और ये बात हम अम्मा जी से पूछे भी थे, और जब इन्होंने हाँ कहा तब हम शादी के लिए बात आगे बढ़ाए, और आप लोग हमें कह रहे हैं कि हमने धोखा दिया। दादी मतलब धोखा इन्होंने नहीं, आपने किया है हमारे साथ। अम्मा जे ठीक नहीं किया आपने, कतई ठीक नहीं किया। हाँ हाँ सब लोग चढ़ बैठो हम पे, मौका मिल गया ना, हमने कौन सी अपने लिए शादी कराई थी, हम तो चाह रहे थे हमारे बच्चे खुश रहे उनका परिवार बढ़े यही लिए, लेकिन हमारी किस्मत खराब है, अच्छा करने जाओ और बुरा ही होवे हमारे साथ। देखिए समदन जी, ये सब आप लोगों को शादी से पहले करना चाहिए था, अब आप लोग अपनी लड़ाई लड़ो कि किसने का किया और किसने का नहीं किया। हम जा रहे हैं, जाओ बेटी तुम भी अपने कमरे में जाओ ठीक है, और अपना ख्याल रखना। मम्मी तुम ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा कच्चू समझ में नहीं आ रहा कहाँ करे, घर का माहौल एकदम तनाव भरा है। मम्मी ये तो होगा ही ना, दादी ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, ये तो बहुत गलत हुआ है। वही तो बेटा, हम तो गौरव के बारे में सोच सोच कर परेशान, पता नहीं भगवान भी हमारे बेटे को किस गुनाह की सजा दे रहे। मम्मी हम समझते हैं, लेकिन तुम समझो जब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है तो वक्त ही ऐसे तकलीफों का इलाज कर सकता है, इसलिए अपने रिश्तों की अहमियत को समझते हुए हमें सिर्फ वक्त पे भरोसा करना चाहिए। और यहाँ दिक्कत ये हो गई कि अन्नू भी अम्मा से बुरी तरह नाराज है। देखो मम्मी तुम अब टेंशन बिल्कुल मत लो, दादी ने जो कुछ भी किया होगा उसके पीछे उनकी सोच अच्छी रही होगी, गौरव भैया से बहुत प्यार करती है, हमेशा उन्हें खुश देखना चाहती है, कुछ सोच समझकर उनके भले के लिए ये शादी करवाई होगी ना। मम्मी अभी सम्राट जी आ गए हैं, हम फोन रखते हैं। ठीक है बेटा। किससे बात कर रही थी भाई, इतनी रात गए मेरी पीठ पीछे? मम्मी का फोन आया था सम्राट जी। हाँ जी मम्मी का फोन आया था, उन्हीं से बात कर रहे थे। बहुत देर हो गई आपको आ जाने में। हाँ तो काम कर रहा था मैं, टाइम पास नहीं कर रहा था। हमारा मतलब था कि बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। थका हुआ लग रहा हूं ना, तो आप कुछ करेंगे मैडम? चलिए आइए पैर दबाइए मेरे, आइए आइए आइए। आप जानते हैं आज आपके बेटे ने ना आपके ताऊजी को गेम में हरा दिया, और आपका भी वेट कर रहा था, कह रहा था कि जब पापा आएंगे तो मैं उन्हें भी हरा दूंगा,
आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए बेचैन रहता है आपका बेटा सम्राट जी। ठीक है ताऊ जी, डन। मैं कल परसों आपको साइट दिखाने ले चलता हूँ, ठीक है? और मुझे यकीन आपको पसंद आएगी। यस, ग्रेट, चलेंगे। सम्राट बेटा, हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो दोपहर को गाड़ी भिजवा देना जरा, हैं? अरे आप गई नहीं? आप लोग तो जाने वाले थे ना घर छोड़ के? हाँ। क्या हुआ? उर्मी बहू ने हमें जाने ही नहीं दिया, रोक लिया इन्होंने हमें। है बहू? पिलाएंगे। चलिए अच्छा है फिर। आपकी बहू कम से कम आपके कुछ काम तो आई। प्यार करती है आपसे? और नहीं तो का है? लाखों में एक है हमारी उर्मी बहुआ। बस बस, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। ओके? जब जाना होगा डॉक्टर के पास फोन कीजिएगा, गाड़ी भिजवा दूंगा। ठीक है। चलिए ताऊ जी। ओके बेटा। फोन कहाँ गया आप? जी। माँ जी फोन बज रहा है हमारे। हाँ जा। दादी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। चाची ने आपको सचमुच का रोका था या झूठ झूठ का स्टोरी बना रही हो? चुप रहो दुष्ट, अपने काम से काम रखा करो। हर बात में कान सटाए रहती हो। चलो जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो। के बीच में बोलती रहती है, देखो जब भी। ए? अनुष्का? आओ आओ अंदर आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आज यहाँ का रास्ता कैसे भटक गई तुम? बस उर्मी दीदी से मिलना था। हाय, चलो अच्छा है, कम से कम तुमने यहाँ ना आने की कसम तो तोड़ी। क्यों? बेटे, शशि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उर्मी की बहन अनुष्का ही है ना? हाँ, अच्छा है, अच्छा किया जो तुम आ गई, है ना? है ना? हाँ, हाँ। नमस्ते। खुशी। आप ताऊ जी हो ना? बेटे, इतना हैंडसम और कोई इस घर में हो सकता है? हनु? दीदी, अनु तुम यहाँ? तुम रुको, हम आते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम वहीं पर रुको, हम आते हैं। एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है तुम्हें, रुको। खुशी की बात? जल्दी आओ ना, हम आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जा मिल लिया मिल लिया। खुशखबरी है, अंदर आओ बताती हूँ। चलो। जेठ जी, इतने सालों बाद आई है जे मौड़ी, पक्के से कोई बड़ी बात होगी, हम चल के देखते हैं। आते हैं। हे बहू, क्या मतलब है? अभी अभी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा ओहदा ठीक ठाक हालत में आया है। हाँ बस अभी
चलो चल के सुनते हैं है? क्या मतलब है? हाँ जी 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 बात भी सही है, ऐसा करो आप जाके सुनो है? हाँ, हम सुन के आते हैं। ठीक रहेगा, जाइए। ये देखो सुपर्ब ना, हिस्ट्री हो गई है मैडम, अब छोड़ो इसे। क्या हिस्ट्री? अरे तुम्हारा सपना था ना कि कथक के बाद तुम कंटेम्प्रेरी डांस सीखोगे, फिर? सपना था, शादी से पहले का था। अब हम ऐसे सारे सपने नहीं देखते, ये पॉसिबल भी नहीं अनु। अब हमारा घर परिवार ही हमारे लिए हमारा सच है और सब कुछ है। देखो दीदी, तुम अगर चाहोगी ना तो वो होगा, एक बार ट्राई तो करो। अनु अब हमारी दुनिया बदल चुकी है, अब हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। दीदी इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, इसे मत जाने दो ना हाथ से, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सपना था। अनु हमें घर से भी परमिशन नहीं मिलेगी और शौरी के रहते हुए हम उसे छोड़ के इस तरह से जा नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा ये सब। अरे दीदी सिर्फ 15 दिनों की तो बात है, वो भी सिर्फ 1 घंटा, इतना तो टाइम तुम निकाल ही सकती हो। अनु तुम समझ ही नहीं रही हो, जिस वक्त की बात तुम कर रही हो उस वक्त हमें शौरी को लेकर स्विमिंग क्लासेस जाना होता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, हमसे नहीं होगा ये। शौर्य की स्विमिंग क्लासेस में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें तो सिर्फ उसे लेने जाना और छोड़ने जाना है बस ना, वैसे है कहाँ उसके क्लासेस? सुंदर क्लब में। सुपर्ब! अरे उसी के तो 2 बिल्डिंग छोड़कर ये जगह है जहाँ तुम्हें जाना है डांस क्लासेस के लिए, ये तो और भी आसान हो गया, अब तुम सेम टाइम पे अपने क्लासेस भी कर सकती हो। हाँ करेक्ट, तुम पगला गई हो क्या अनु, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ताऊ जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अनुष्का, एक लड़की शादी के बाद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने के बारे में सोचे, कैसे संभव है ये? क्या है, शादी के बाद उसकी जिंदगी अपनी नहीं रहती, उसके पति और उसके ससुराल वालों की जागीर हो जाती है। क्या उर्मी बहू, ठीक कह रहे हैं ना हम? और तुम अपनी और अपनी खुशियों के बारे में कैसे सोच सकती हो? इसके लिए तुमको मना ही है और ये किया बहुत गलत होगा। ये आप क्या कह रहे ताऊ जी? अरे तुम्हारी बहन को खुद ही नहीं पता कि इंसान खुद खुश रहे तभी दूसरों को खुश रख पाएगा, लेकिन अपनी अपनी जिंदगी है, कोई अपना तरीका बनाता है, कोई सालों से बने बनाए नियमों को अपना कर खुश है। फिर जो भी है छोड़ो, जाने दो, हम निकलते हैं। ताऊ जी हम आपकी बात समझ रहे हैं, अगर हमने सारे काम मैनेज कर भी लिए तो भी जिस वक्त की बात अनु कर रही है उस वक्त हमें शौर्य को लेकर स्विमिंग क्लासेस जाना होता है, वो छोटा बच्चा है ताऊ जी, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, क्या करें हम? कहा जाता है कि मौसी माँ जैसी होती है और बच्चे को माँ के बाद सबसे ज्यादा प्यार वही देती है, और वक्त बेवक्त बहन के काम भी वही आती है। वाह वेरी गुड आइडिया, अरे मैं शौर्य का ध्यान रख लिया करूंगी, तब तक आप डांस क्लास हो आना। क्यों ताऊ जी,
भाई ये जोड़ घटाना गुणा भाग अब तुम दोनों मिलके देखो, हम तो चलते हैं। मेरा एक सपना है जो तुमको पूरा करना है, मेरा एक सपना था, मेरा एक सपना है जो तुम्हें पूरा करना है। मेरा एक सपना है